to all students and welcome in this video class. And this is the revision period. We were discussing about money and credit, and under it the main most important word, that is bank. We have already cleared what is money. मनी क्या है? वह विनिमय का एक माध्यम है और जिसके आधार पर किसी भी वस्तु या सेवा आदि को हम एक्सचेंज आदि का कार्य करते हैं। इसके इतिहास के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, किंतु जो ज्यादा आवश्यक है वह है कि बैंक के बारे में हम आज पुनः चर्चा करेंगे। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जिसमें आम पब्लिक अपनी आय का कुछ हिस्सा बचा करके जमा करता है और इसके बदले में कुछ रिटर्न्स भी, यानी इंटरेस्ट भी प्राप्त करता है। तो पहले बैंक के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, जब इसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था उस समय भारी परेशानी होती थी। यदि कुछ पैसे बचते भी थे लोगों के पास तो मिट्टी में गाड़ के रखा जाता था, तो बांस का पाइप जो रहता है बांस उसमें छिद्र करके, तो कभी मिट्टी में ही सड़गड़ जाता था, तो कभी चूहा कुतर देता था, समस्या आती थी। कभी चोर लुटेरे बदमाश आदि आकर के छीन के ले जाता था। तो बाद में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना जिसके माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया कि भाई आप अपने बचत का कुछ राशि इस संस्था में जमा करें, इसके एवज में आप एक निश्चित कालखंड के लिए जो आप जमा करके रखते हैं रखेंगे तो उसको आपको इंटरेस्ट के साथ, यानी कि कुछ ऐड करके उसमें तब लौटाया जाएगा और जब चाहेंगे तब लौटाया जाएगा। तो इसके बारे में भी सबको पता है कि बैंक में डिपॉजिट जो होता है वो कई प्रकार का होता है, किंतु तो आज ये कॉमर्शियल बैंक से तात्पर्य हम लोग हमेशा ही ध्यान में रखें कि बैंक से तात्पर्य कॉमर्शियल बैंक से है। कॉमर्शियल बैंक भारतवर्ष में 1969 ईस्वी में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, और 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। तो निश्चित रूप से कुल मिला के कितना हो जाता है, तो 14-26 हो जाता है। किंतु कतिपय कारणों से और उसमें एक माइनस हो जाता है मर्ज हो जाने के कारण, तो हो जाता है 19। किंतु बाद के कालखंड में इधर कुछ के वर्षों में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है इसको घटा करके कई बैंकों को एक साथ मर्ज करने के बाद वर्तमान में इसकी संख्या मात्र 12 रह गई है, नेशनलाइज बैंकों की संख्या 12 बैंक। प्रयास हो रहा है कि और बैंकों का भी कुछ इसमें 12 बैंकों में से कुछ बैंकों को और महत्व, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है, प्रभावी बैंक है, उसमें मर्ज कर दिया जाए। तो हालांकि इस पर बहुत विवाद हुआ है, जन सामान्य का मानना हुआ कि प्राइवेट सेक्टर करने के कारण ये पब्लिक सेक्टर जो भी है उसको धीरे धीरे सरकार समाप्त कर रही है, लेकिन इसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, लिबरलाइजेशन के बारे में, कि सरकार को क्यों विवश होकर के
पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी कथा है, इसके बारे में हमने कई वीडियो क्लासेज भी लिया है, यूट्यूब पर भी डाला है, तो उस पर हम लोग को अभी डिटेल्स में चर्चा नहीं करनी है। लेकिन मेनली हमको देखना है कि ये कॉमर्शियल जो बैंक है इसका क्या कार्य होता है। तो कॉमर्शियल बैंक, पहले बैंक का कार्य, बैंक से तात्पर्य कॉमर्शियल बैंक से है। तो ये कॉमर्शियल बैंक का कार्य तीन प्रकार का होता है। एक क्या होता है, टू टेक डिपोजिट, मतलब बैंक का अपना कोई पैसा नहीं होता है, आम पब्लिक का ही पैसा बैंक के पास में आता है। तो ये पहला फंक्शन होता है टेक डिपोजिट। दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड लोन। और तीसरा जो है, आप लोगों को हम बताया भी है डिटेल्स में, तीसरा है क्रिएट क्रेडिट। इसी तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस पर बैंक अपनी पूरी गतिविधियों को सुनिश्चित करता है और जो पैसा जमा करते हैं उसको एक बड़ी राशि इंटरेस्ट के रूप में भी देता है और साथ ही साथ बहुत बड़ा हिस्सा बैंक बेनिफिट भी प्राप्त करता है और पेमेंट यानी सैलरी का भी कार्य उसी पैसे से, हमारे आपके पैसे से बैंक में जितने इंप्लॉय होते हैं और मैनेजमेंट में खर्च आता है, इंप्लॉय का सैलरी पर खर्च आता है, वो उसी में से निकाल लेता है। यानी कि बैंक का अपना कुछ नहीं होता है, आप पब्लिक ने जो रुपया जमा किया है उसी रुपया के आधार पर बैंक उस रुपया को अपने पास नहीं रखता है, कुछ ही रखता है जो डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक होता है। सीआरआर और एसएलआर के बारे में आप लोगों ने जाना ही है, हमने स्पष्ट किया है। तो और सबसे बड़ी बात है कि बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, कि उनके पास जो जमा राशि है उसके आधार पर कई टाइम्स क्रेडिट क्रिएट करता है और उससे क्या होता है, बैंक को एक बहुत बड़ी राशि प्रॉफिट के रूप में आ जाती है और उसके माध्यम से अपने सभी एम्प्लॉय को अधिक से अधिक सैलरी भी दे करके और फिर भी कुछ बचा भी लेता है अपने पास में। तो ये बात अलग है कि कुछ बैंकों की गलत नीति के कारण वो लॉस में चला जाता है, लेकिन सामान्य रूप से बैंक इसी पद्धति से कार्य करता है और बहुत बड़ी राशि जमा भी करता है। और बैंक का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज इतना डेवलप हो चुका है, एडवांस हो चुका है कि कुछ भी राशि यदि लोगों को लगता है कि हमारे पास में है तो तत्काल को जाकर के बैंक में जमा कर ही देना पड़ता है। पहले मतलब इतना लोग जागरूक हो गए हैं, किंतु याद हो आप यदि इसके इतिहास को जानेंगे तो पता चलेगा कि आजकल जैसे LIC में पॉलिसी करने के लिए उसके जो एजेंट वगैरह होते हैं डोर टू डोर जाते हैं और बहुत पैरवी करते हैं, आगे पीछे करते हैं कि भैया आप दो पैसा इसमें जमा कीजिए तो आपको भविष्य के लिए आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज के रूप में होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत पैरवी करना पड़ता है। पहले प्रारंभ के समय में बैंक जब